मुझे एक केस मेरा हाल ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। मैं अमेरिका में था, रात को कॉल पे था और मुझे कॉल आई कि इस तरह हार्ट अटैक की एक यंग फीमेल आई है। अमेरिका में आमतौर पर दिल का मर्ज़ लेट एज में होता है, लेकिन वो फॉर सम रीज़न वो हिस्पैनिक थी और उसको तकरीबन 44-45 की थी, तो हार्ट अटैक के साथ आई थी। तो मैं उसको गया एमरजेंसी एंजियोप्लास्टी करने के लिए और उसको एमरजेंसी रूम में भी ऑलमोस्ट उसकी दिल की रफ्तार बंद हो गई थी, शॉक वगैरह करके वापस लाए और उसको रश करते हुए मैं कैथ लैब में साथ ही लेकर आया और एंजियोग्राफी की, तो उसकी खून की नालियाँ बंद थी। एंजियोप्लास्टी भी जो है वो कर दी, कामयाब हो गई, लेकिन एंजियोप्लास्टी के एंड में जो है पेशेंट को दोबारा जो है वो दिल की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई और मल्टीपल शॉक्स और रिसस्टेशन की कोशिश करते रहे, लेकिन उसको हम नहीं बचा सके। और जब मैं केस बेसिकली पेशेंट नहीं उसको बचा सके, तो मैं बाहर फैमिली से बात करने के लिए गया, तो वहाँ पे उस मरीज़ का हस्बैंड और एक 6 साल की बच्ची उसके साथ बैठी हुई थी। तो 6-7 साल उम्र होगी उसकी, तो वो मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया कि मैं इनको किस तरह से बताऊंगा कि अब वो ज़िंदा नहीं रही है। तो मैंने जो पेशेंट का हस्बैंड था उसको मैंने कहा कि बेटी को इधर ही बिठाएं और दूसरे साइड पे ले जाके मैं उसको बताया, तो वो कोशिश के बावजूद भी जो है वो ऑब्वियसली उस वक्त अपना जो है वो आंसू नहीं रोक सका और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और उस वक्त उसकी बेटी भागती हुई आई और उससे आके लिपट गई। तो जिस तरह से वो मंज़र था दोनों बाप और बेटी को रोते हुए देख के, मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा मतलब उस वक्त देख के उनको खुद भी आंसू आ गए थे और वो वाकया मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। मैं उनके साथ काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा, बेटी की भी साथ थी और उसको भी तसल्ली देने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये एक ऐसा वाकया, वैसे तो हर हम रोज़ ज़िंदगी और मौत देखते हैं, लेकिन वो उस बच्ची का और उसके बाप का उस वक्त दोनों का रोना देख के मुझे आज भी वो याद है और नहीं भूलता है।